नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की बात सच के साथ। आज हजरस के आह्वान पर आज भिवानी में जिला स्तरीय प्रदर्शन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के विभिन्न सामाजिक संगठन, जिसमें कर्मचारी, मजदूर, छात्र संगठन शामिल थे। प्रदर्शन में बैकलॉग पूरा करने, रोस्टर प्रणाली लागू करने, आउटसोर्सिंग भर्ती बंद करने, पीटीआई बहाली सहित 21 सूत्रीय मांग पत्र के लिए सबसे पहले विभिन्न सामाजिक संगठन नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए तथा संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक सवर में सभी मांगों का समर्थन किया। उसके बाद प्रदर्शनकारी हासी गेट पुराना बस स्टैंड पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय के सामने पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। बावजूद इसके आज लगभग सवा साल तक सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी है और ये मांगे हमारी ज्यों की त्यों हैं। आज हमारा जिला स्तर पर दोबारा फिर आक्रोश प्रदर्शन रहा। आज जो ये धरना किया गया है, हम इस धरने का पूरी तरह से समर्थन करते हैं अपने साथियों के सहित। और सरकार ने जो हमारे बैकलॉग को बहाल नहीं किया, हमारे जो पदोन्नति में आरक्षण को ख़त्म कर दिया, रोस्टर लागू नहीं कर दिया, हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करने के लिए आज यहाँ पूरा समाज के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। बोलो, आज हमें लघु सचिवालय भिवानी के अंदर आए हुए हैं और जो शेड्यूल कास्ट की मांगे हैं, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, जो इसे बीजेपी सरकार ने उनके हकों पर कुठाराघात किया हुआ है, उन हक अधिकारों के लिए आज सभी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए और ज्ञापन पत्र देने के लिए आए हैं। हाँ चलो। हाँ जी, आज हम इस लघु सचिवालय जो हमारी मांगे हैं उनके समर्थन में आए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम और भी इससे बड़ा कोई आंदोलन लेने का निर्णय ले सकते हैं। जिस प्रकार बैकलॉग कोटा है और रोस्टर प्रणाली है, निजीकरण है, ये चीज़ें सभी तमाम जो और आरक्षण के अंदर जो प्रमोशन कोटा है, उन सारी मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सभी संगठन हमारी इन मांगों का मनवाने के लिए सरकार को चेता रहे हैं, या तो सरकार समय रहते हुए हमारी मांगों को पूरा करे, वरना सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल का दौर होगा। इसलिए हम सरकार को यही चेतना चाहते हैं कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं, हम अनुशासन में रह करके इन मांगों को मनवाने के लिए पूरा ज़ोरदार प्रदर्शन हमने किया है मिलकर सभी। आज जो है हम हरियाणा जो शिक्षा पदोन्नति में जो निजीकरण हुआ है उसके बारे में और रोस्टर पर जो मांग लागू हुई है उस पर रोस्टर प्रणाली विभिन्न संगठनों का हम आज सहयोग करते हैं और हम इनकी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार को चेताना चाहते हैं कि मांगे तुरंत से तुरंत जो है बहाल की जाए। आज बताओ जी, कृपया लाइन में आइए। आज हम सब लोग यहाँ पे जो अध्यापक संघ हैं, जो भी यूँ कहते ना कि जो कहते कि बेरोजगार पढ़े लिखे भी बेरोजगार हैं, वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिनको जॉब करके उनकी जॉब भी बहाल नहीं कर रहे हैं, उनको हटा दिया गया है, वो सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए? ताकि हम बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन कर सकें। जब से सरकार आई है, सरकार ने जॉब ना देने की कसम ले रखी है, जिनको जॉब थी उनकी भी छीन ली गई है। आज बीस रुपये मांग पत्र कर्मचारियों और विद्यार्थियों को लेकर एक सरकार को ज्ञापन दिया गया। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन मांगों को अपने ध्यान में रखें और उनको जल्द से जल्द पूरा कराए। हजरत द्वारा जैसे पूरे प्रदेश में रोज प्रदर्शन हुआ है, उसी कड़ी में आज भिवानी में प्रदर्शन किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि रोस्टर प्रणाली इसमें लागू नहीं है, बैकलॉग हमारा अधूरा पड़ा हुआ है। सरकार लगातार भर्तियों पे भर्तियां कर रही है, पर वो जो भर्ती कर रही है वो सीधे कमीशन द्वारा नहीं कर रही, वो दूसरे माध्यम से आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार हमारा जो बैकलॉग है वो पूरा करे, रोस्टर